एमपी की चर्चित लोकसभा सीट दमोह में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। आज शोरगुल वाले प्रचार का आखिरी दिन है तो तमाम मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। देश भर की निगाहों में रहने वाले इस क्षेत्र में मतदान को लेकर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं, जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिले के एसपी ने विस्तृत जानकारी दी है। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर हर एक मतदान केंद्र पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर सुधीर कोचर के मुताबिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं की सुविधा का ख्याल रखा गया है। वहीं निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए उच्च तकनीक का सहारा लिया गया है। मतदान केंद्रों से वेब कास्टिंग कराई जाएगी। वहीं निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। दूसरी तरफ चुनाव के दौरान अशांति ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी के मुताबिक जिले और प्रदेश के फोर्स के अलावा दूसरे राज्यों से आई पैरा मिलिट्री फोर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और बड़े पैमाने पर पुलिस बल चुनाव के दिन सड़कों पर रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 अप्रैल को दमोह लोकसभा क्षेत्र में मतदान निर्धारित है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा और दमोह लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत ये मतदान होगा, जिसमें कि छतरपुर की 1, सागर की 3 और दमोह की 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। और मतदान के लिए जो नागरिक हैं, जो भी मतदाता हैं, वो 13 प्रकार के दस्तावेज लेकर के जा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मतदाता जो ईपिक कार्ड है, उनका जो ईपिक कार्ड है वो लेकर के जा सकते हैं। यदि ईपिक कार्ड नहीं है तो 12 प्रकार के और कार्ड्स हैं जो कि लेकर वो जा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। हमने मतदाता पर्चियों का वितरण घर घर जा कर के सुनिश्चित कराने की का प्रयास किया है। हम लगातार लोगों के घरों तक दस्तक दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। और सभी से अपील की गई है कि गर्मियों के समय में, शादियों के समय में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये राष्ट्रीय पर्व है, तो सभी लोग मतदान करें। इलेक्शन के लिए जो हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो 3 स्तर पे किया गया है। एक तो जो भी नॉर्मल पोलिंग बूथ्स हैं उसमें पुलिस का एक जवान लगाया गया है, साथ में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहेगा और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी टीम रहेगी। उसके अलावा जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हाइपर क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं, जिनमें हाफ सेक्शन जो है वो CAPF का, जो सेंट्रल की पैरा मिलिट्री फोर्स है, उसका लगाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो लीस्ट क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल हैं उनमें भी हम लोग आर्म्ड गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ में स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव फोर्स है उससे भी एक अधिकारी उसमें साथ में लगाया जाएगा।